नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज, और मैं हूं आपकी अध्यापिका पूजा सहानी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ एक, और पाठ एक का नाम है बच्चों एक किरण। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें दी हुई है बच्चों एक चित्र पर आधारित गतिविधि। गतिविधि को हम एक्टिविटी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, उपयुक्त चित्र को देखकर, उपयुक्त मतलब ये जो ऊपर यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इसे देखकर आपको क्या महसूस होता है, आपको क्या लगता है? चित्र में सूरज की किरणों को देखकर यह आभास हो रहा है कि प्रातःकाल का समय है, हो रहा है ना? सूरज को देखकर ये लग रहा है हमें कि ये प्रातःकाल का, सुबह का समय है। चिड़िया चहचहाने लगी हैं, है ना? होता है ना, जब सुबह होती है तो चिड़िया चहचहाती हैं, फूल मानो मुस्कुराने लगे हैं, फूल खिल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हों। आप प्रातःकाल उठकर कौन कौन से कार्य करते हैं? चलिए बच्चों, अब आप मुझे बताएंगे कि आप सुबह उठकर कौन कौन से काम करते हैं। अपने दैनिक कार्यों की एक तालिका आपको तैयार करनी है। सो यहाँ पर आपको जो जगह दी हुई है, यहाँ पर आपको अपने दैनिक कार्य, मतलब जो आप रोज़ काम करते हो, जैसे आप उठते हैं, आप व्यायाम करते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, आप नाश्ता करते हैं, आप सूरज को नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, जो भी आप दैनिक कार्य हैं आपके, उनकी आपको यहाँ पर एक तालिका तैयार करनी है बच्चों, ठीक है? और अब हम पढ़ने वाले हैं कविता। सो कविता प्रवेश में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता में सूरज के उगने के बाद प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। तो किस चीज़ के बारे में बताया गया है इस कविता में? जो प्रकृति में, नेचर में जो परिवर्तन हुए हैं, जो भी चेंज आते हैं प्रकृति में, जो भी परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हमें इस कविता में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। सो रेशम जैसी हस्ती खिलती नभ से आई एक किरण। किरण कहाँ से आ रही है? नभ से, आसमान से आ रही है। और कवि को वो किरण कैसी लग रही है? रेशम जैसी हस्ती खिलती, ऐसी लग रही है जैसे रेशम होता है ना, उतनी मुलायम, हस्ती और खेलती लग रही है। आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। तो कैसी लग रही है वो किरण? जैसे कि वो आंचल भरकर, मतलब बहुत सारी मीठी मीठी खुशियाँ लेकर आई है। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर। तो झिलमिल झिलमिल पत्तों पर सुबह सुबह ओस की कुछ बूंदे पड़ी हुई थी, मतलब देखते हैं ना, जब हम सुबह उठते हैं तो पत्तों पर ओस की बूंदे पड़ी हुई होती हैं, वो पत्ते थोड़े से गीले होते हैं, वो होती हैं बच्चों ओस की बूंदे। उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। सो जैसे ही उन पत्तों पर वो किरण पड़ी, उस किरण का प्रकाश पड़ा, तो इस तरह से लगा जैसे उन पत्तों पर एक दिया सा जल गया हो। उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। चलिए आगे चलते हैं। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में। अब पूरब में से क्या उठकर आया? लाल लाल सूरज, और वो कैसा लग रहा है? जैसे कि एक लाल लाल थाली सा सूरज, जैसे वो थाली हो, लाल थाली हो जो पूरब में से उठकर आई है। फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। और जैसे ही सूरज पूरब में से निकला, वो उसमें से जो किरणें निकली वो कैसी लग रही हैं चारों तरफ? जैसे सोने की तारे फैली हुई हों, ठीक है? नभ में छाई एक किरण, और पूरे नभ में वो सोने की तारे किरणें फैल गई हैं। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली। एक किरण से, सूरज की एक किरण से पूरा जग बदल गया। क्या हुआ? अंधकार से प्रकाश आ गया, ठीक है? रात से सुबह हो गई। तो ऐसा लग रहा है मानो पूरा जग बदल गया हो। चिड़िया गाती गीत चली, और चिड़िया ने गीत गाना शुरू कर दिया। वो
चिड़िया की जो आवाज़ है, मधुर आवाज़ आने लगी जैसे ही पहली किरण नभ में आई। हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। फिर सुबह होते हुए ही हवा चल पड़ी और उस हवा से सारे पेड़ हिल उठे। सबको खुशी हो रही है, सबको भाई एक किरण। उस एक किरण के आने से सबको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सूरज आया, दिन मुस्काया। जैसे ही सूरज निकला, दिन मुस्काया, दिन निकल आया, जागी दुनिया, सुबह हुई। पूरी दुनिया जाग गई और सुबह हो गई। नया नया मन, ताज़ा जीवन। सबका मन नया नया था, सबके लिए एक नई सुबह थी, ताज़ा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। और ये सब किसके वजह से हुआ? उस एक किरण की वजह से हुआ, जिसने प्रकृति में इन सभी परिवर्तनों का आगमन किया। चिड़िया चहचहाने लगी, फूल मुस्कुराने लगे, पत्ते ऊपर ऐसी लगी ओस जैसे उसमें से दिया निकल रहा हो जब उस पर किरण पड़ी। लाल लाल थाली सा सूरज बाहर आया। सबको खुशी हुई, हवा चली, पेड़ पौधे हिले, सबके मन में नई तरंग जागी, नई सुबह हुई। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर किरण के साथ जो भी प्रकृति में परिवर्तन हुआ है उसे दर्शाया गया है। और इस कविता के कवि हैं बच्चों श्री प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। रेशम, नभ, नभ, किरण, आंचल, ओस, पूरब, ज्यों, मुस्काई, जीवन, झिलमिल। तो ये है कठिन शब्द जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हैं यहाँ पर हमारे शब्दार्थ नभ। नभ का मतलब होता है बच्चों आसमान, आकाश। जग, जग का मतलब होता है पूरी दुनिया, संसार। से हम संसार भी कह सकते हैं और दुनिया भी कह सकते हैं। किरण, किरण का मतलब है रश्मि, अ रे ऑफ लाइट। जो सूरज से लाइट निकलती है ना, रश्मि, किरण कहते हैं उसे। और किरण का हिंदी में अर्थ है रश्मि। गीत मतलब गाना। ओस, शबनम। ओस जो पानी की जो बूंदें पड़ी हुई होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ड्यू, और हिंदी में उनका अर्थ है शबनम। ताज़ा मतलब नया, नया नया सब कुछ। बूंद, बिंदु, ड्रॉप, बूंद। बूंद पड़ती है ना, उसे हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। जीवन मतलब जिंदगी। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं और बात करते हैं पाठ की। तो हमें ये मौखिक प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने हैं बच्चों। बताएं आपने क्या पढ़ा? नभ से कौन आया है? नभ से आई एक किरण। तो नभ से किरण आई है। ओस की बूंदे कहाँ पड़ी थी? ओस की बूंदे पत्तों पर पड़ी थी, है ना। अभी हमने कविता में पढ़ा ओस की बूंदे कहाँ पड़ी थी, ओस की बूंदे पत्तों पर पड़ी थी। सूरज कहाँ आया? सूरज पूरब में आया। पूरब से आया ना, सूरज कहाँ आया? सूरज पूरब में आया। प्रस्तुत कविता आपको कैसी लगी? अब ये आप बताएंगे। प्रस्तुत का आप ये लिख सकते हैं बच्चों, प्रस्तुत कविता हमें बहुत मनोरम और ताजगी से भरी लगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है बच्चों। किरण फूलों के लिए कैसी खुशियाँ लेकर आई? किरण फूलों के लिए मीठी मीठी खुशियाँ लेकर आई। यहाँ पर हमें संप्रेषण कौशल भी दिया हुआ है और हमें ये बताया हुआ है कि अगर हमें इस तरह से भरना हो तो हमें कैसे भरना चाहिए। ये चारों तरीके गलत हैं और सही तरीका है, जैसे मान लीजिए मीठी मीठी। सो मुझे इसको पूरा फिल करना है, इस तरह से पूरा मैं जब भरूंगी तभी ये ठीक माना जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से भी हम फिल करते हैं, पूरा मुझे इसे फिल कर देना है। ठीक है, सो इस तरह से भी हम आंसर दे सकते हैं और इस तरह से भी उत्तर दे सकते हैं। किरण ने ओस की बूंदों वाले पत्तों पर क्या किया? किरण ने ओस की बूंदों वाले पत्तों पर उन पर एक दिया सा जला दिया।
जब किरण पत्तों पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई दिया जल रहा हो। किरण, कवि ने किरण के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? हस्ती खेलती, रेशम जैसी, सोने के तारों जैसी, या ये सभी? ये सभी। आपने कविता में पढ़ा कि इन सभी विशेषणों का प्रयोग कवि ने किरण के लिए किया है। गीत गाती कौन चली? चिड़िया। कौन चली गीत गाती? चिड़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। कविता के अनुसार सूरज की विशेषता है, क्या विशेषता है? वह गोल गोल है, वह गोल गोल, वह लाल लाल है, वह लाल लाल थाली जैसा है, या वह लाल लाल गेंद जैसा है। तो हमने क्या पढ़ा था कविता में बच्चों? लाल लाल थाली सा सूरज, सो वह लाल लाल थाली जैसा है। कविता की पंक्तियों का उचित मिलान करना है, हमें इन्हें मिलाना है, मैच करना है। लाल लाल थाली सा सूरज है ना, उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नब में छाई एक किरण। सो आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा और आपको इन्हें इसी तरह से मेरे साथ साथ करते जाना है। चलिए, कविता की पंक्तियों का आशय स्पष्ट करो। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे, झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। सुबह सुबह झिलमिल करते हुए पत्तों पर जो ओस की बूंदे पड़ी थी, जब उन पर एक किरण पड़ी तो ऐसा लगा मानो उन पत्तों पर एक दिया जल रहा हो और वह किरण मुस्कुरा रही हो। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली। जैसे ही सूरज निकला और उसकी पहली किरण आई तो ऐसा लगा मानो पूरा ही संसार, पूरी ही दुनिया बदल गई हो। चिड़ियाएं गीत गाती हुई उड़ने लगी। आगे चलते हैं। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। रेशम सी किरणें खुशियां लाई, बिल्कुल ठीक, रेशम सी किरणें खुशियां लाई। कविता के अनुसार चिड़िया गीत नहीं गाती है, नहीं, कविता के अनुसार चिड़िया गीत गाती है। ओस की बूंदे दिए पर गिरी, ओस की बूंदे पत्तों पर गिरी थी। सूरज पूरब में निकल आया था, जी हाँ, सूरज पूरब में ही निकल आया था। नई सुबह हमारे जीवन में नई ताजगी लाती है, जी नई सुबह हमारे जीवन में नई ताजगी लाती है। किरण आंचल में भरकर क्या लाई है? किरण आंचल में भरकर खुशियाँ, मीठी मीठी खुशियाँ लाई है। रेशम जैसी किरणें आंचल में भरकर मीठी मीठी सभी के लिए खुशियाँ लाई है। सुबह कब होती है? जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है और सूरज पूरब में से निकलता है, तब सुबह होती है। किरण सबको कैसे भाती है? जब चिड़िया चहचहाती हैं, फूल पत्ते फूल मुस्काते हैं, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं हवा से, तब किरण सबके मन को भाती है। सारा संसार कैसे बदल गया? जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, सुबह हो गई, पूरा संसार उठ गया, अंधकार से प्रकाश में आ गया। इसी तरह से सारा संसार बदल गया। चिड़िया चहचहाने लगी, फूल मुस्काने लगे, पत्तों पर पड़ी ओस पर जब किरण पड़ी तो ऐसा लगा मानो दिया जल रहा था। इसी तरह ताजगी से भरा हुआ संसार सुबह उठा और ऐसा लगा मानो सारा संसार बदल गया। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, खुश रहें, मिलते हैं अगले पाठ में।